ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। दोस्तों, हम जिंदगी में अक्सर यही सोचने में वक्त बिता देते हैं कि ये सही डिसीजन है या गलत है, ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको जो अचीव करना है, अगर वो एथिकली सही है, तो फिर आपने वो डिसीजन ले लेना चाहिए। और फिर एक बार आपने वो डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि ये डिसीजन लेके मैंने सही किया है या गलत किया है, बस उस डिसीजन को सही बनाने के पीछे काम करते रहना है। आपने सोच लिया यूपीएससी क्लियर करनी है, यूपीएससी एथिकली सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप क्लियर करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपकी जो माइंडसेट है वो एथिकली सही है, मतलब आपको यूपीएससी क्लियर करके करप्शन नहीं करना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है, काम करना है। तो फिर आपने एक बार वो डिसीजन ले लिया, आपको पता है जो मेरी थिंकिंग है वो एथिकली सही है, जो मैं करने जा रहा हूँ वो एथिकली सही है, उसके बाद आप वो डिसीजन को सही बनाने के पीछे लग जाओ। जिंदगी में बहुत लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि अरे यूपीएससी क्यों दे रहा है, ये करके कुछ नहीं होने वाला है, डिसीजन बिल्कुल गलत है। लेकिन ये सबको चुप बिठाने का एक ही तरीका है, ये डिसीजन को सही बना के दिखाओ, आप वो अचीव करके दिखाओ, और उस चीज के लिए जो भी लगता है वो आप करो। अब आप मेरे कोर्सेज को अनअकैडमी प्लस पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस पर आपको मेरी प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी मयूर मोगरेस नाम से। उसके बाद जो भी मेरे प्लस कोर्सेस हैं आपको वहां पर नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने एमपीएससी के लिए कोर्स लॉन्च किया है जो कि मराठी लैंग्वेज में है। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल में इस कोर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस कोर्स पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहाँ पर अलग अलग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिए होंगे। तो आप किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसमें ले जाया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टेट जो है वो डालना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो इस तरीके की एक विंडो यहाँ पर ओपन होगी। अब यहाँ पर आपको रेफरल कोड जो है वो यहाँ पर उसका एक बॉक्स दिखाई देगा। अब इस रेफरल कोड में आपको कोड इंसर्ट करना है MMBEAN, MMBEAN, ये कोड अगर आप वहाँ पर इंसर्ट करते हो तो उसके बाद ये कोड जो है रेफरल कोड वो यहाँ पर अप्लाई इस तरीके से आपको दिखाई देगा। जो पहले आपको 1400 रुपये थे, 1400 रुपीज़ थे एक महीने के, अब उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और वो सिर्फ 1260 रुपये पर आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये रेफरल कोड जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। उसके बाद इस तरीके की नेक्स्ट विंडो ओपन होगी जहां पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है वेरियस बैंक्स के थ्रू। उसी के साथ साथ अगर आपको यूपीआई के थ्रू यहां पर पेमेंट करना है तो उसका भी ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। और फाइनली आप किसी भी एक ऑप्शन को यहां पर क्लिक करके पे का अगर ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सब आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो कोर्सेस है ये एमपीएससी एग्जाम के लिए है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये मराठी लैंग्वेज में रहने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 18 फेब का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा, यहाँ पर है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ ओजोव। अब आप सभी को पता है ये स्ट्रेट है करेट स्ट्रेट। उसी के साथ साथ ये वाला जो है सी ऑफ मरमरा और ये है एगियन सी, है ना, जो मेडिटेरियन सी को कनेक्ट होता है। यहाँ पर जो स्ट्रेट है ये है डार्डनली स्ट्रेट। उसी के साथ साथ यहाँ पर सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाला ये जो स्ट्रेट है जो टर्की के पास आता है, ये स्ट्रेट कौन सा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि देखिए टर्की ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए इसके आसपास जो भी स्ट्रेट है, जो भी वाटर बॉडीज़ है, सभी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्ट्रेट का नाम आप ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज कीजिए, स्ट्रेट का नाम लिखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो भी आप लिख सकते हो, और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए।
आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और उसी के साथ साथ अगर आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो तो कौन बनेगा आया सीरीज जो है फिर से रिज्यूम कर दी गई है और ये कंटिन्यू शुरू रहेगी, तो जल्द से जल्द चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं, तो एक्सप्लेन सेक्शन में पहला जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वुमेन की आर्मी में एंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पर डिसीजन दिया है, तो इस केस को पूरी तरीके से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है, आरबीआई अपने अकाउंटिंग ईयर को फिस्कल ईयर के साथ अलाइन करने की कोशिश करेगा, मतलब अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कहाँ से कब तक का है, तो जुलाई से जून तक का। उसी के साथ साथ अगर हम हमारा फिस्कल ईयर देखते हैं तो वह अप्रैल से मार्च तक का होता है, तो अप्रैल से मार्च में ही अलाइन करने की कोशिश करेगा आरबीआई। तो ये क्यों करेगा, क्यों यहाँ पर जो फाइनेंस अकाउंटिंग ईयर है आरबीआई का वो अलग है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला आर्टिकल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो बैटल है ये बैटल को भी हम समझेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था टर्की जो है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसीलिए बैटल जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसी भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आप देखोगे $5 ट्रिलियन की अर्थमैटिक, मतलब $5 ट्रिलियन पर पहुँचना है, ये देखा गया है पिछले साल के बजट में ही बोला था कि 2024-25 तक हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, एट प्रेजेंट देखा जाए 2.9 पर हम चल रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किल है इतनी ऊपर तक जाना। और अगर हम हिस्ट्री को भी देखते हैं तो हिस्ट्री में भी जिस जिस मूवमेंट पर हमें इस तरीके की ग्रोथ नज़र आई है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण रहा है। तो इतने बड़े इस पर, इतने बड़े अर्थमेटिक पर, इतने बड़े $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुंचना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, और इसके लिए हमें कौन सी ग्रोथ पर जाना पड़ेगा ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगला जो आर्टिकल है प्रोटेक्शनिज्म के ही बारे में बात कर रहा है, कल ही हमने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है। ये वाला आर्टिकल भी कुछ इतना खास नहीं है, मतलब ये इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब आएगी उसके साथ हम यहाँ पर कवर करेंगे, तो एट प्रेजेंट देखा जाए तो कवर करने के लिए इतना कुछ खास है नहीं। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल जो मतलब प्रोटेस्ट चल रही है उसके बारे में बात कर रहा है। ये वाला आर्टिकल जो अभी महाकाल एक्सप्रेस है उसके बारे में बात कर रहा है। ये वाला जो आर्टिकल है आप गवर्नमेंट जो है उसके बारे में बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर $5 ट्रिलियन की अर्थमेटिक अगर हम देखते हैं तो $5 ट्रिलियन तक पहुँचना क्या आसान काम है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। जहाँ एक तरफ हमारी जो इकोनॉमी है, अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे के जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर हमें पहुँचना है, और एट प्रेजेंट देखा जाए तो काफ़ी कम स्तर पर हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब अगर हम 2018-19 देखते हैं तो इंडिया का GDP जो है 2.75 ट्रिलियन देखने को मिल रहा था, और लेटेस्ट अगर हम देखते हैं ऑफिशियल GDP ग्रोथ रेट तो हमें 4.5% जो है वो देखने को मिली थी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस जो है सभी तरफ से नीचे जा रहे हैं, रियल इस्टेट देखा जाए तो वो भी नीचे जा रहा है। मतलब पहले हमें सिर्फ ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था, मतलब जो बैंक्स है उनका और जो कॉरपोरेट है उनका, है ना, लेकिन अब ये 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया है। मतलब NBFC जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर रही है, रियल इस्टेट जो है ये भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब जो भी इकोनॉमी को आगे लेकर जा सकते हैं वो सभी यहाँ पर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे सिनारियों में यहाँ पर GDP जो है जब उसे हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुँचाना है तो फिर ये टास्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सबको हमें ऊपर लाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितनी ग्रोथ रहनी चाहिए तब जाकर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर पहुँचते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो 10% मिनिमम 10% जो है उसकी हमें ग्रोथ चाहिए रहेगी तब जाकर हम यहाँ पर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है 6 साल में उस पर पहुँच सकते हैं। अब इतना 10% के ऊपर जिसने कवर किया था वो कौन सी कंट्री है, वो तो चाइना ही है, कि मतलब पूरा डिकेड जो है उसने 10% की डबल डिजिट में जो है उसने ग्रो किया था, है ना, 2003 से लेकर 2009 तक उसने ग्रो किया था। अब इंडिया अगर देखा जाए तो क्या इंडिया ने भी ये कारनामा अचीव किया है, तो बिल्कुल किया है, इंडिया ने भी ये जो चीज़ है ये अचीव करती हुई नज़र आई थी। मतलब इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ओवर 10% जो है सिर्फ 2 बार ही ग्रो हुई है, मतलब 1988-89 और 2007-08। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्यों ग्रो हुई थी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 1991 में हमने LPG लेकर आए थे,
एलपीजी लेकर आने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, प्राइवेट सेक्टर भी अंदर आने की वजह से, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो लिबरलाइजेशन है वो होने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो इकोनॉमी है उसमें एकदम बूम आ गया और उसकी वजह से यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है अच्छी तरीके से ग्रो होने लग गई। और दूसरा अगर हम देखें तो देखिए, पहले रिसेशन आने की वजह से, ग्लोबल रिसेशन आने की वजह से हमारी इकोनॉमी 3.5% पर ग्रो कर रही थी। उस वजह से क्या हुआ कि अब जब इतने रिसेशन पर ग्रो कर रही है तो हमेशा इकोनॉमी कैसे चलती है, डाउनफॉल आता है फिर बूम आता है, फिर डाउनफॉल आता है फिर बूम आता है, तो इतना डाउनफॉल आने की वजह से बूम आना ही था, तो उस वजह से इकोनॉमी जो है वो फास्टर पेस पर ग्रो होने लगी। एट प्रेजेंट देखा जाए तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बोलो या जो भी चीज़ें बोलो, क्योंकि अभी तो स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, तो जो भी सिनेरियो यहाँ पर देखा जाए बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि डबल डिजिट 10.5% जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उससे ग्रो होना एट प्रेजेंट काफ़ी मुश्किल है। और इतिहास से भी अगर हम देखें तो भी हम कुछ सीख नहीं सकते हैं कि भाई इतिहास में हमने ये किया था तो 10% की, ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से ग्रो हुई। अभी एलपीजी बोले तो एलपीजी तो ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ किया क्या जा सकता है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि हमें ज़्यादातर जो क्लोज सेक्टर है उसे ओपन करना पड़ेगा, जैसे रेलवेज है, सरकार कर रही है, उसे भी ओपन कर रही है, कॉरपोरेट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन बड़े इसके लिए उस तरीके की चीज़ें जो है वो भी नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए अगर हमें $5 trillion की इकोनॉमी पर पहुंचना है तो हमें कम से कम 10.5% जो है उससे ग्रो करना पड़ेगा, और उस तक ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारे रिफॉर्म जो है, बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे। ये जो अभी एट प्रेजेंट चल रहा है इससे हम $5 trillion की इकोनॉमी पर नहीं पहुँच सकते हैं, इम्पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, RBI जो है वो अपना अकाउंटिंग ईयर को अलाइन करेगा फिस्कल ईयर के साथ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो के थ्रू हमें ये समझने को मिलेगा कि RBI का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, उसी के साथ साथ हमारा फिस्कल ईयर कौन सा है, RBI ने अकाउंटिंग ईयर डिफरेंट क्यों रखा है, फर्स्ट RBI गवर्नर कौन रहे हैं 1935, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ये सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बेसिक न्यूज़ क्या है, तो न्यूज़ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर उसके जुलाई जून अकाउंटिंग ईयर जो है उसे अलाइन करेगा गवर्नमेंट की अप्रैल मार्च फिस्कल ईयर के साथ, जिससे कि इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है कंट्री के फाइनेंसेस में ये हो सके। अब देखिए इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है, कौन सी, तो RBI का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है, तो वो है जुलाई से जून तक का, उसी के साथ साथ हमारा फिस्कल ईयर कौन सा है, तो वो है अप्रैल से मार्च तक का। तो ये दो चीज़ें हमें ये वाले स्लाइड से पता चलती है। अब यहाँ पर देखिए RBI ने जुलाई से जून अकाउंटिंग ईयर, यहाँ तक RBI कैसे पहुँचा, तो सबसे पहले तो जब यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो कमेंस हुए थे 1 अप्रैल 1935 को, सर ओसबोर्न स्मिथ ये फर्स्ट गवर्नर थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, खासकर ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उसमें सीधा नाम भी पूछा जा सकता है। और अभी RBI जो है करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये भी चीज़ जो है वो न्यूज़ में आ गई है, इसलिए UPSC में भी ऐसे स्टेटमेंट आपको पूछे जा सकते हैं। दो स्टेटमेंट आपको पूछे जाएंगे कि जो RBI का जो अकाउंटिंग ईयर है वो पहले से ही, स्टार्टिंग से ही जुलाई से जून रहा है, और जो फर्स्ट RBI गवर्नर थे वो ये थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहले से यहाँ पर जुलाई से जून जो है वो फाइनल अकाउंटिंग ईयर नहीं रहा है RBI का। पहले अगर देखा जाए तो जनवरी दिसंबर जो है ये अकाउंटिंग ईयर था, मगर मार्च 11 1940 को यहाँ पर बैंक जो है उसने अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज कर दिया जुलाई से जून का। अब देखिए यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से मार्च तक का था, तो इसीलिए अगर हम जनवरी में ही RBI सब कुछ कर लेता है, पूरा जो उसके फाइनेंसेस है वो देख लेता है, फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए बट ऑब्वियस है कि इसके बाद ही यहाँ पर जो RBI है उसे क्लोज करने के लिए, जो भी पैसा है वो सब पूरा एकदम ये करके रिजल्ट ला के फाइनल करने के लिए उसे टाइम लगेगा, इसीलिए बाद में ही लाना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो हमारा फिस्कल ईयर है उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जुलाई से जून ये अकाउंटिंग ईयर जो है वो लेकर आ गए, जिससे कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद हम यहाँ पर अकाउंट जो है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देख सके। अब यहाँ पर नियरली 8 decades के बाद RBI जो है फिर से इसमें स्विच करने की कोशिश कर रहा है, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो है वो 9 months पीरियड का ही रहेगा, मतलब फ्रॉम जुलाई 2020 टू मार्च 31st 2021। अब ये 9 महीने का रहने के बाद फिर उसके बाद नया बच्चा आएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर जो है ये स्टार्ट किया जाएगा अप्रैल से,
और इसे मर्ज किया जाएगा हमारे फाइनेंशियल ईयर के साथ। अब यहाँ पर देखिए, आरबीआई अकाउंट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आरबीआई बैलेंस शीट देखिए तो काफ़ी क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करती है कंट्री की इकोनॉमी में। लार्जली इसमें जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कैरिड आउट किए गए हैं करेंसी इशू फंक्शंस को लेकर, मॉनेटरी पॉलिसी, रिजर्व मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आरबीआई जो है वो कंट्री मॉनेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है फाइनेंशियल सिस्टम का, है ना। मतलब कितना जो है मार्केट में पैसा रहना चाहिए, कितना आउटफ्लो होना चाहिए, किस तरीके से इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। उसी के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजर भी है, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व उनके पास होता है। करेंसी इशू करने का काम भी उनका होता है, रेगुलेट करने का काम भी होता है। उसी के साथ साथ पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो है उसे भी सुपरवाइज करने का काम होता है। मतलब बैंक जो है उन्हें यहाँ पर इजाज़त जो है आरबीआई की तरफ से लेना पड़ता है, पेमेंट सिस्टम जो है उन्हें इजाज़त आरबीआई की तरफ से लेना पड़ता है। उसी के साथ साथ बैंकर होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बोरो करने के लिए, आरबीआई जो है वो यहाँ पर मदद करती है। और उसी के साथ साथ बैंकर्स की भी ये बैंक है। मतलब अगर एसबीआई है, एसबीआई के लिए भी वो बैंक है। किस तरीके से ट्रांजेक्शन करती है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आरबीआई के जो अकाउंट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सिस्टम जो है उसे चेंज क्यों करने की बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कमेटी याद रखना है कि कमेटी कौन सी इन्वॉल्व है इसमें। तो बीमल जालन कमेटी ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, उसने प्रपोज किया है कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रेजेंटेशन जो है आरबीआई के एनुअल अकाउंट्स का, इसलिए उनको जो अकाउंटिंग ईयर है वो चेंज करना होगा अप्रैल से मार्च फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो कौन सी कमेटी है? बीमल जालन कमेटी। अगर आपको आ जाए कि बीमल जालन कमेटी जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में चल रही थी, तो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है जो आरबीआई जो यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर है वो चेंज करने के लिए। अब आरबीआई जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर सकेगा बेटर एस्टिमेट जो प्रोजेक्टेड सरप्लस ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए क्या होता है, जब भी सरप्लस कोई ट्रांसफ़र होता है, सरप्लस कोई आ जाता है आरबीआई के पास, तो वो गवर्नमेंट को दिया जाता है एज ए डिविडेंड के तौर पर, है ना। तो वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बजटिंग पर्पस के लिए, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर जो है वो भी फाइनेंशियल ईयर के साथ मर्ज किया जाएगा, तो बट ऑब्वियस है कि उन्हें सब कुछ अकाउंट जो है, जो भी यहाँ पर उनको सरप्लस आ रहा है आरबीआई को, पहले ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो उस वजह से क्या होगा कि ये जो पैसा है सरप्लस पैसा, ये सरकार को जो मिल रहा है वो सरकार बजट में यूज कर सकती है। वही अभी क्या हो रहा है, अभी बजट पहले आ जा रहा है, उसके बाद पता चल रहा है गवर्नमेंट को, अरे वाह इतना सरप्लस पैसा अलग से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर जो है वो बाद में है। तो इससे क्या होगा, बेटर मैनेजमेंट होगा डिविडेंड के ट्रांसफर का भी। मतलब जो सरकार को डिविडेंड मिल रहा है वो भी सरकार जो इनकम है उसमें इंक्लूड करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो बजटिंग है वो कर सकती है। अब गवर्नमेंट, कंपनीज और बाकी इंस्टीट्यूशन जो है वो अप्रैल से मार्च ईयर फॉलो करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है अकाउंटिंग का ये भी हो सकेगा। मगर देखिए कुछ ही दिन पहले हमने ये भी देखा था कि सरकार जो है वो जैन से लेकर तो दिसंबर ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो कर सकती है। तो अगर ये करेगी तो फिर से यहाँ पर जो है वो ये हो सकता है, है ना, कि मतलब उल्टा सीधा हो रहा है। अब मई 2018 देखा जाए तो उर्जित पटेल जो है जब वो गवर्नर थे, आरबीआई ने पहला एवर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है यहाँ पर अपॉइंट किया था, उनका नाम था सुधा बालकृष्णन। तो ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। जो भी पहली बार होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मई 2018 में ही हुआ था, इसीलिए ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि यहाँ पर जो इंटरिम डिविडेंड है उसे यहाँ पर ये रिड्यूस कर सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, आरबीआई को जो अंदाज़ा होता है तो उसके हिसाब से इंटरिम जो डिविडेंड है वो सरकार को दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, पूरी तरीके से जो ओवरऑल डिविडेंड है वही आरबीआई को पता चल जाएगा और वो सरकार को ट्रांसफ़र कर पाएगा, जिससे कि सरकार वो बजट में इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे तरीके से जो बजटिंग है वो कर सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है या फिर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल के तरह ही यहाँ पर प्रॉपरली कंसिडर जो है वो की जा सकती है। उसी के साथ साथ ग्रेटर कोहेसिवनेस जो है मॉनेटरी पॉलिसी प्रोजेक्शन में वो यहाँ पर लाया जा सकता है। उसी के साथ साथ जो फिस्कल ईयर है उसे बेस बनाकर, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से जो फाइनेंशियल कंट्री का फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं।
अब देखिए जो बैंक्स है, बैंक्स भी अपना पूरा का पूरा जो है वो कब खत्म करती है, ऑब्वियस है मार्च एंड तक पूरा खत्म कर देती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आरबीआई है उनका भी यहाँ पर पूरा का पूरा ये हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सिनारियो जो है सभी चीजें, सभी इकोनॉमिक चीज़ें, क्योंकि आरबीआई इकोनॉमी से रिलेटेड सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से देखती है। तो इसीलिए जब आरबीआई भी यहाँ पर जो कंट्री का फाइनेंशियल ईयर है उसके साथ मर्ज हो जाएगा, उसके बाद प्रॉपर तरीके से सब पैसा जो है वो भी सर्कुलेट हो पाएगा, वो भी प्रॉपर तरीके से बेनिफिट जो है वो पहुँचा पाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं अगर आरबीआई यहाँ पर अपना मर्ज कर लेता है, अलाइन कर लेता है अपने अकाउंटिंग ईयर को फाइनेंशियल ईयर के साथ। अब नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलता है विमेन की, जो आर्मी है उसमें एंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा है। तो पूरा केस यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से रहा है, क्या क्या यहाँ पर अड़चनें आई हैं, क्या क्या यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ें हैं मेन और विमेन उनमें क्या डिफ्रेंशिएट हो रहा है, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उनका क्या कहना है, गवर्नमेंट की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट आए थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो न्यूज़ देखते हैं, बेसिकली न्यूज़ क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को विमेन ऑफिसर 10 स्ट्रीम्स ऑफ आर्मी ऑन दी पार विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स, ऐसा कहा है सभी रिस्पेक्ट में, और जो ऑब्जेक्शन रहा है गवर्नमेंट का उसे यहाँ पर उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। मतलब बेसिकली हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो विमेन ऑफिसर है आर्मी में वो 1992 में ही स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, 1992 में ही स्टार्ट हो चुका था और उन्हें कमीशन किया जाता था फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स कुछ स्ट्रीम्स में। सभी स्ट्रीम्स में जो विमेन है उन्हें यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही थी आर्मी में, कुछ स्ट्रीम्स में दी जा रही थी और 5 ईयर्स के लिए उन्हें कमीशन किया जाता था। कौन से स्ट्रीम्स में, जैसे कि आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स हो गया, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स हो गया, इंटेलिजेंस कॉर्प्स हो गया, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हो गया। अब ये जो रिक्रूट्स होते हैं अंडर दी विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम WSES, देखिए ये याद रखिए, आगे मैं WSES यही इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब रहेगा विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम। अब यहां पर जो प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग पीरियड है वो भी यहां पर शॉर्टर 3 एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स, और मेल जो है, जैसे विमेन जो है वो WSES के तहत लाए जाते थे और जो मेल है उन्हें लाया जाता था अंडर दी शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब देखिए 2006 में क्या होता है, WSES स्कीम जो है ये रिप्लेस कर दी जाती है विद SSC स्कीम, जो कि विमेन ऑफिसर्स के लिए भी एक्सटेंड की जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि कमीशन किए जाते थे फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और एक्सटेंडेबल होता था फॉर द 14 ईयर्स। अब यहाँ पर WSES ऑफिसर जो सर्व कर रहे हैं उन्हें ऑप्शन दिया जाता था कि वो नई SSC स्कीम के तरफ मूव हो सकते हैं या फिर जो उनकी पुरानी WSES है उसी के तहत ये काम कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ उनके जो रोल है वो भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होते थे स्पेसिफाइड जो स्ट्रीम्स है उसमें ही, जिसमें से जो कॉम्बैट आर्म्स है जैसे कि इन्फेंट्री हो गया, आर्मर्ड कॉप्स हो गए, ये यहाँ पर एक्सक्लूड किए जाते थे। मतलब वहाँ पर उन्हें जो विमेन ऑफिसर्स है उन्हें काम करने का मौका नहीं मिलता था। अब देखिए मेल SSC ऑफिसर जो है वो परमानेंट कमीशन यहाँ पर उसके लिए ऑप्ट कर सकते थे एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, और ये ऑप्शन जो है विमेन ऑफिसर्स के लिए अवेलेबल नहीं था। मतलब परमानेंट कमीशन का जो ऑप्शन है वो विमेन ऑफिसर्स के लिए अवेलेबल नहीं था, उनके लिए वही था कि 10 साल काम कर सकते हैं, एक्सटेंडेड हो सकता है 14 ईयर्स के लिए, और इसीलिए उन्हें जो कमांड अपॉइंटमेंट्स है उससे बाहर रखा जाता था, और इसीलिए वो गवर्नमेंट पेंशन जो है उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं होते थे, क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन अगर आपको चाहिए तो 20 ईयर जो है वो सर्विस के बाद ही आपको जो पेंशन है वो मिल सकती है। मगर जो यहाँ पर विमेन ऑफिसर्स थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 14 ईयर जो है वहीं तक काम करने को मिल सकता था। फर्स्ट बैच जो है विमेन ऑफिसर्स की न्यू स्कीम के तहत एंटर की गई आर्मी में 2008 में, तो ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है। अब देखिए कोर्ट में किस तरीके से ये बैटल चलता है, 2003 में एक PIL जो है वो फाइल की जाती है दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, जिससे कि परमानेंट कमीशन जो है विमेन को SSC ऑफिसर्स को आर्मी में वो प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि वो भी यहाँ पर परमानेंट कहलाए, वो भी यहाँ पर मेन स्ट्रीम जो चीज़ें हैं उसमें जा सके, और उसी के साथ साथ वो भी पेंशन के लिए एलिजिबल हो सके। दूसरी एक रिट पिटीशन जो है वो भी फाइल की गई बाय मेजर लीना गौरव और अक्टूबर 16, 2006 को, जिससे कि जो टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस है जो इम्पोज की गई है वो यहाँ पर चैलेंज की जा सके। सितंबर 2008 में डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने एक ऑर्डर पास करते हैं, वो कहते हैं कि जो जो यहाँ पर परमानेंट कमीशन है
ये यहाँ पर ग्रांट किया जाएगा प्रोस्पेक्टिवली एसएससी विमेन ऑफिसर्स के लिए इन दी जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। अब ये जो सर्कुलर है चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बाय मेजर संध्या यादव। इसी है ये सिर्फ सर्टन स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स में ही आप प्रोवाइड कर रहे हो, बाकी इसमें क्यों नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर उनका मेन मुद्दा क्या था कि आप यहाँ पर मेल और फीमेल जो है उनमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि मेल को आप पर्टिकुलर जो एरियाज है वो दे दोगे, जो स्ट्रीम्स है वो दे दोगे, जिससे कि वो सभी चीज़ों के लिए लायबल रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर सभी चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अब हाई कोर्ट जो है उन्होंने 2003, 2006, 2008 के जितने भी चैलेंजेस है वो सबको एक साथ लिया और अपना जजमेंट जो है 2010 में पास किया। विमेन ऑफिसर एयरफोर्स आर्मी के ऑन एसएससी जिनको परमानेंट कमीशन जो है ये सॉर्ट किया गया है, लेकिन जो स्टेटस है वो ग्रैंड नहीं किया गया है, वो पीसी के लिए एंटाइटल्ड रहेंगे विथ पार विथ मेल एसएससी ऑफिसर्स। उन्होंने ऐसा कहा कि जो मेल एसएससी ऑफिसर्स हैं उनकी ही पार पर यहाँ पर पीसी जो है ये एलोकेट किया जाएगा, जो विमेन ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ उन विमेन ऑफिसर्स के लिए ही अप्लीकेबल रहेगा। ध्यान से सुनिए, ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ उन विमेन ऑफिसर्स के लिए ही अप्लीकेबल रहेगा जो कि यहाँ पर प्रोसीडिंग्स में इंस्टीट्यूटेड है, मतलब जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसमें जिन जिन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ वही यहाँ पर एंटाइटल्ड रहेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिटायर्ड है लेकिन जो रिट पिटीशन है वो उनकी पेंडेंसी पर है, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए जिन्होंने कोर्ट में अपील की है सिर्फ वही लोगों को यहाँ पर ग्रांट किया जाएगा, बाकी जिन लोग चले गए हैं, जिन लोगों ने सब कुछ मान लिया है कि हाँ ये सही है, उन लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने ये जो मूव है उसे चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे न आने के बावजूद जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब यहाँ पर पीसी जो है वो प्रोवाइड नहीं किया विमेन को सभी इसके लिए। अब ये जो प्रोसीडिंग्स है गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑर्डर पास किया फरवरी 2019 में कि यहाँ पर पीसी जो है वो ग्रांट किए जाएंगे एसएससी विमेन ऑफिसर्स के लिए 8 स्ट्रीम्स ऑफ द आर्मी में इन एडिशन टू JAGAEC जो कि ओपन किया गया था 2008 में ही। देखा था ना सितंबर 2008 में जो जज एडवोकेट जनरल है उसमें भी विमेन को यहाँ पर विमेन ऑफिसर्स को यहाँ पर दिया जाएगा और उसी के साथ आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स जो है AEC उसमें भी यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन इन्हें जो कमांड अपॉइंटमेंट्स है वो यहाँ पर ऑफर नहीं की गई और सिर्फ स्टाफ पोजिशन जो है उसमें ही ये सर्व कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर बोला गया। हियरिंग के दौरान गवर्नमेंट जो है एक प्रपोजल लेकर आती है जहां पर विमेन ऑफिसर जो है अप टू 14 इयर्स ऑफ सर्विस उन्हें यहां पर परमानेंट कमीशन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है इन लाइन विद द लेटर ऑफ फरवरी 2019। विमेन ऑफिसर जिन्हें 14 साल से ज्यादा की सर्विस यहां पर हो चुकी है वो यहां पर परमिट किए जा सकते हैं कि अप टू 20 ईयर जो है वो यहां पर सर्व कर सके बिना पीसी में जाए, बिना परमानेंटली कमीशनड के इसमें जाए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो है वो ले सकते हैं। और जिन्हें 20 साल से ज़्यादा हो गया है उनके लिए जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो इमीडिएटली रिलीज़ किए जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर सरकार क्या कर रही थी कि आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर काम कर रहे हो, आपका बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि 20 ईयर्स होने के पहले आपको पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिल सकते हैं, तो ठीक है यहाँ पर जो 14 ईयर्स ऑफ सर्विस जिनको हो गए हैं उन्हें यहाँ पर 20 ईयर्स तक सर्व करने के लिए परमिट किया जाएगा, आप 20 ईयर्स तक सर्व करो, मतलब और 6 साल आप सर्व करो और उसके बाद आपको पेंशन जो है वो यहाँ पर ग्रांट की जाएगी। और जिनको 20 साल से ज़्यादा यहाँ पर टाइम हो गया है उनकी भी पेंशनरी जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं उन्हें हटा दिया है। अब यहाँ पर सरकार ने तर्क दिया था कि ये जो चीज़ें हैं ये उनकी पॉलिसीज़ है और जो भी सरकार पॉलिसीज़ लेकर आती है लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ है और लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ है सिक्योरिटी के लिए, जो देश की सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड, इसीलिए यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है जजेस जो है वो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मगर जो अपेक्स कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सेक्स के बेसिस पर हो रहा है और सेक्स के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है और फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन मतलब इक्वालिटी जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही है और इसीलिए यहाँ पर जो पीसी है वो ग्रांट किया जाए 10 स्ट्रीम्स में। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी हटा दिया कि सिर्फ जो स्टाफ अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब जो अलाउड थी वो भी अलाउड नहीं, भैया सब जगह पर जहाँ पर भी उनको ये करना है सर्व करना है वहाँ पर यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अब जूनियर रैंक करियर कोर्सेज वुमेन ऑफिसर जो है वो अब ट्रेनिंग कोर्सेज जो है वो भी अटेंड कर पाएगी जो कि पहले सिर्फ मेल अटेंड कर सकते थे, है ना।
तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। मतलब जितना भी डिस्क्रिमिनेशन था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ हटा दिया है, और यहाँ पर जो मतलब जो सरकार है उनको कहा है कि आप पूरी तरीके से जिस तरीके से आप मेल को ट्रीट करते हो आर्मी में, उसी तरीके से आपको फीमेल को भी यहाँ पर ट्रीट करना पड़ेगा। एक न्यूज आर्टिकल यहाँ पर आ रही है कि मार्च 3 को यहाँ पर जो कन्विक्ट है उन्हें हैंग किया जा सकता है। अभी देखिए हमने ये वाला पूरा जो किस्सा है ये देखा हुआ है कि क्यों यहाँ पर इन्हें हैंग जो है वो नहीं किया गया है अब तक। इतनी बार जो डेट्स है वो चेंज हो गई है। 2012 दिसंबर में जो गैंग रेप हुआ था, मर्डर केस हुआ था, उसके बाद 7 साल तक अभी तक ये जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया, मगर अभी यहाँ पर जो उन्हें फांसी है वो नहीं हो रही है। कौन सी कारण है? तो बहुत सारे कारण हमने यहाँ पर देखे थे, जो मर्सी पिटिशन है, उसी के साथ साथ जो क्यूरेटिव पिटिशन है, रिव्यू पिटिशन है, वो बहुत सारे लोग अलग अलग इस पर दाखिल कर रहे हैं। और जो मतलब निर्भया है उनकी माँ जो है उन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने खुलेआम कहा है कि हम यहाँ पर छूट जाएंगे, हम यहाँ पर जो फांसी है उसे रोक लेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही है, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, इन लोगों ने पूरी के पूरे झोलझाल करके जो अपनी जो फांसी है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, और अगर फांसी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो उसे फिर चेंज कर दिया जाता है उम्र कैद पर। तो यही इनका प्लान जो है वो नजर आ रहा है। अभी मार्च 3 को यहाँ पर जो मतलब डेट है वो फिक्स की गई है, मगर अब भी अगर देखा जाए तो पवन जो है उसका अभी भी यहाँ पर क्यूरेटिव और मर्सी पिटिशन जो है वो बचा हुआ है, और अक्षय जो है उसने ये कहा है कि अभी भी वो यहाँ पर फ्रेश मर्सी पिटिशन जो है वो दाखिल करेगा। अब सोचिए यहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही है इसमें क्या हमारी गलती नहीं है? हमारा जो सिस्टम है क्या उसकी गलती नहीं है? है ना, मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि आर्टिकल 21 जो है इनके लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर जो भी लास्ट तक जो अवेलेबल रहे वो सब यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड करें। लेकिन क्या ये गलतियाँ नहीं है? इसकी वजह से लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? इसकी वजह से एनकाउंटर्स बढ़ेंगे नहीं? और क्यों ना बढ़े? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और फिर जब एनकाउंटर्स हो फिर हमें ये बिल्कुल हक नहीं है बोलने का, कोर्ट को ये हक नहीं है बोलने का, इवन प्रेसिडेंट को ये हक नहीं है बोलने का कि आप यहाँ पर ये क्यों कर रहे हो। मर्सी पिटिशन ऐसे लोगों को दिया ही क्यों जा रहा है? मर्सी पिटिशन के लिए अप्लाई ही क्यों कर सकते हैं? इनका ये जो हक है क्यों ना छीन लिया जाए? ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोल रहे हैं हमारे सिस्टम में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जो जुडिशरी उस पर लोगों को भरोसा आए। ये जो चीज़ें हो रही है, जो हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद में ये कंफर्म हुआ नहीं है कि एक्चुअल में उन्हीं लोगों को मारा गया है या फिर किसी दूसरे ही गूंज को मारा गया है ना, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। लेकिन एटलीस्ट ये तो है कि मतलब एक सांत्वना तो है कि हाँ उनके साथ जो है वो हो गया है फटाफट। लेकिन ये जो है ये तो अभी भी कल्प्रिट पड़े हुए हैं, ये तो अभी भी फांसी की सजा होने के बाद भी बचते जा रहे हैं। तो यहाँ पर गुस्सा जो है वो बढ़ेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि ये इस पर जो चेंजेस है वो लाने चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो हम मर्सी पिटिशन है उसे हटा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। राष्ट्रपति ने भी कहा है कि मर्सी पिटिशन अगर हट जाती है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इसीलिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन फटाफट हो यही यहाँ पर देखा जाना चाहिए। ये मार्च 3 लाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मार्च 3 को भी इनको फांसी होगी, ये भी एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मूडीज है उन्होंने स्लैश किया है इंडिया का 2020 ग्रोथ फोरकास्ट टू 5.4% फ्रॉम 6.6%। तो ये देखिए अलग अलग जो ये है वो अलग अलग फोरकास्ट करते हैं। तो ये ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इसने कितना स्लैश किया है, IMF ने कितनी GDP ग्रोथ रेट रखी है, ये सारी चीज़ें बोली जा सकती है। तो यहाँ पर इंडिया की GDP ग्रोथ रेट जो है 6.6% से उन्होंने 5.4% पर यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और हमने देखा है कि हमें अगर $5 trillion की इकोनॉमी पर पहुंचना है 10% की ग्रोथ जो है हमें दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर पी नोट जो है, पी नोट इन्वेस्टमेंट काफ़ी हिट किया है, नियरली 11 इयर्स लो हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल जो एंजेला जोली है, अब एंजेला जोली को यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर अगर उनका मतलब रजिस्टर किए बिना ही अगर उन्हें करना है कि भैया मुझे रजिस्टर नहीं करना है, मुझे सीधा का सीधा ये कर दो, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, यहाँ पर जो इंसान है वो बोलेगा एक तो ये है कि भैया मत बोलो, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मतलब हम आपको एक काम करते हैं, आप यहाँ पर नाम वाम रजिस्टर मत करो, मैं आपको क्या करूँगा कि आपके यहाँ पर कितने आए 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, तो 1 करोड़ रुपए मेरे नाम से कर दूंगा, आपको पी नोट जो है वो दे दूंगा। मतलब क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट जो है वो इशू कर दूंगा। मतलब प्रॉमिसरी नोट जो इशू किया जाता है बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए।
क्या किया गया है, काफी चेंजेस भी यहाँ पर लाए गए सेबी के द्वारा। मतलब सिंप्लीफाइड केवीसी रिक्वायरमेंट जो है वो लगेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, उसी के साथ साथ ब्रॉड बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है ऐसे इन्वेस्टर्स का वो भी यहाँ पर लगेगा। आप देख सकते हो सेगमेंट वाइज इन्वेस्टमेंट जो है दिसंबर में, तो इक्विटीज आप इतना देख सकते हो, डेब्ट जो है वो इतना देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है। तो जो प्रॉमिसरी नोट है, मतलब क्या है, बाहर के लोग जो है वो भी इन्वेस्ट कम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रॉमिसरी नोट जो है ये भी इन्वेस्टमेंट इसका हिट हुआ है, नियरली 11 इयर्स लो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इन्वेस्टमेंट जो है उसे बढ़ाना पड़ेगा, FDI के रूप में हो जाए, FPI के रूप में हो जाए, या प्रॉमिसरी नोट्स के रूप में हो जाए। तो आइए हम बैटल ऑफ चना काले जो है ये भी देख लेते हैं, जो गली पोली है वो भी देख लेते हैं, और ये हमारी खूबसूरत धरती जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप जाओगे, मतलब यूरोप साइड अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी के इधर ही आपको टर्की जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो एर्डोगन है ना, वो यहाँ पर पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है इस्लामाबाद में, उनको यहाँ पर एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी एक जो हार्ड स्टेटमेंट है वो दिया है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कश्मीरी जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर टर्की जब वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर जो स्ट्रगल कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर कश्मीरी जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसी को लेकर यहाँ पर इंडिया जो है उसने स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि टर्की जो है वो इंडिया के इंटरनल मैटर में यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर जो उनकी तरफ से आया है कि इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो गली पोली कैंपेन है उसके बारे में पता रहना चाहिए, चन्ना काले जो है उसके बारे में पता रहना चाहिए, है ना। तो बैटल ऑफ चन्ना काले जो है, जिसे गली पोली कैंपेन भी कहा जाता है, वो कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ब्लडीएस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर जो है, ऑटोमन आर्मी जो है, उनको फेस ऑफ यहाँ पर फेस करना पड़ा था अगेंस्ट द अलाइड फोर्सेस, जिसकी वजह से टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर जो है दोनों साइड के, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब देखिए इसी के चलते आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रेट जो है वो पता रहने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये इस्तांबुल, यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो बॉस्पोरस स्ट्रेट है वो देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर किसको कनेक्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है ब्लैक सी को, है ना, सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है ब्लैक सी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो जो सी ऑफ मरमरा है ना, यहाँ पर आपको सी ऑफ मरमरा देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एगन सी है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, तो इसे भी हम कौन सा स्ट्रेट कहते हैं जो हमने देखा था, इसे कहते हैं डार्डनेली स्ट्रेट। और उसी के साथ साथ और कौन सा एक स्ट्रेट आपको ध्यान में रखना है, तो ये वाला जो है ब्लैक सी को जो सी ऑफ ओजोव को कनेक्ट कर रहा है वो है करत स्ट्रेट। तो ये तीन स्ट्रेट हमने यहाँ पर देख लिए है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या था कि इस पर कब्जा जो है वो जमाना चाह रहे थे। यहाँ पर जो हैवी बम्बार्डमेंट है वो किया था टर्किश फोर्ट्स पर, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फाइनली यहाँ पर टर्की जो है यहाँ पर हीरो जो है वो इमर्ज होता है। टर्की साइड जो है वो यंग मिलिट्री हीरो जो थे केमल अटाटुर्क, तो उनकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स है उसमें काफ़ी स्ट्रांग निकल कर आते हैं, और टर्किश आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर उभर कर आती है। तो इस तरीके से इसको रेफर करना कश्मीर के मैटर को, ये काफ़ी गलत हो जाता है, और इसीलिए इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी सख्ती से जो मतलब अगेंस्ट में इनके बोला है और एक स्टेटमेंट जो है वो जाहिर की है। तो यहाँ पर हमने जो मैप बेस्ड एक्सरसाइजेस है वो भी देख ली है। तो ये हमारे वीडियो का एंड, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।